हमारे दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल स्वामी जी राघव का है, उम्र इनकी 21 साल है और वजन बहुत बढ़ गया है, कम करने के लिए क्या उपाय करें, ये जानना चाह रहे हैं। एक तो स्थित कोणासन, चक्की आसन और अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन जो हम कर रहे थे वो करें, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो करें, दौड़ सकते हैं दौड़े, तैर सकते हैं तैरे, नौका विहार कर सकते थे ये करें। और राघव जी मेदो हरवटी और वेट वो ये गोधन अर्क के साथ ले लें तो हो एक दिन में एक एक दो दो किलो वेट कम हो जाएगा। थोड़ा मसाज कर लें, थोड़ा स्टीम ले लें, धूप में बैठ करके प्राणायाम करें और धूप में बैठ करके रेनकोट पहन करके करें तो अंदर से गर्मी आती है, पूरा पसीना चूह जाता है आधा से एक लीटर। अब बताओ गर्मी के अंदर भी हम धूप में बैठ करके रेनकोट पहन करके, हमने एक थेरेपी डेवलप की है उसमें पूरा ना अंदर से पसीना इतना निकल जाता है। और फिर अनाज नमक मीठा बंद कर दे, जंक फूड फास्ट फूड तो ये कचरा तो खाना ही नहीं, अनाज भी बंद कर दे, एक दिन में एक एक दो दो किलो वजन कम हो जाता है। लो राघव जी जितना कम करना चाहेंगे उतना ही कम हो जाएगा, एक बार कम करके फिर उसको मेंटेन कर लो, बस थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। जिंदगी बहुत अच्छी है, थोड़ा सलीके से जीना सीख लो, वही हम सिखाते हैं राघव जी के बाद। आप अगला प्रश्न ले लीजिए, वो तो अब अश्वगंधा के पत्ते भी खा लेंगे, मेदो हर और वेट गो त्रिफला भी ले लेंगे, सुबह उठ के नींबू पानी जो है सुबह उठ करके आंवला पानी भी पी लेंगे तेज गर्म पानी में डाल के, तो उससे भी वेट कम हो जाता है। जी स्वामी जी अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शिल्पी का सवाल है, उनको कुछ दिनों से हथेली और तलवे में झंझनाहट महसूस होती है तो वो इसके लिए उपाय जानना चाह रही हैं। हथेली और तलवे में शिल्पी को और किसी को भी झंझनाहट हो ना, तो देखो ये एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे ऐसे, और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ब्लड सर्कुलेशन कम है इसलिए अश्वगंधा या अश्वशिला या त्रयोदशांग गुगुल कोई भी एक ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वशिला कैप्सूल या त्रयोदशांग, या फिर बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट होती है तो जैसे मैंने सुदेश का बताया, इसका तो पूरे हाथ पैर ही पूरे कांपने लग गए थे, यह हालात हो गई थी झंझनाहट से अब आगे पहुंच गई थी, तो न्यूरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है। और किसी किसी को ये सब चीज़ें मस्तिष्क पर असर होने से होती है, तब हम मेधावटी और मेमोरग्रिट भी दे देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, नहीं तो अपने घर में ही फ्लैक्सीड और तिल दोनों को कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके खा ले, उससे भी अंदर की झंझनाहट खत्म हो जाती है, एक वात के कारण से भी झंझनाहट हो जाती है। उसमें कल एक माता मेरे बोली जी पूरा शरीर बेकार हो गया था, आपने इंडिया टीवी पर बताया था सहजने के पत्ते पिए, मैंने तो बाबा जी पूरी ठीक हो गई, उसका मैंने पूरा जो है रिकॉर्ड रख रखा है। तो सबको बुला नहीं पाते, हमारे पास तो 3000 आदमी रहते हैं, थोड़े से मेरे साथ यहाँ पर आते हैं। स्वामी जी सहजना के पत्तों का रस, निर्गुंडी के पत्तों का रस, पारिजात के पत्तों का रस, गिलोय एलोवेरा का रस, ये सारे अंदर की वात को निकाल देता है, सारी झंझनाहट खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू कोई पी ले ना, ये तो परम औषधि है, ये सारी अंदर की झंझनाहट खत्म। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी पल्लवी का सवाल है, गॉल ब्लडर में पथरी है और पीसीओडी की बीमारी भी है, उनके लिए क्या उपाय है? गॉल ब्लडर की पथरी ना कपाल भाती से दूर हो जाती है, इसके लिए लीथोम पत्थर चटा, लीथोम और पत्थर चटा का प्रयोग करें। और पल्लवी जी से लेकर के जिनको भी है लीथोम पत्थर चटा और पीसीओडी के लिए कपालभाती और सिस्टोग्रिड दो दो सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें, ये गोधन और उसमें भी काम करता है, शरीर में कहीं पर भी सिस्ट हो उसको डिजोल्व करने के लिए सिस्टोग्रिड, कैंसरस होने की संभावना तो सिस्टोग्रिड डायमंड और काचनार वृद्धिवाधि का ये खाने के बाद सिस्टोग्रिड खाली पेट दो दो गोली सुबह उठते ही दो, फिर सुबह दोपहर शाम 4 बार तक दे देते हैं, 1 से 2 महीने में पीसीओडी खत्म और हार्मोनल इम्बैलेंस भी खत्म हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं, दरअसल हम भूल गए थे अपनी परंपराओं को, लोग कहते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होती, अच्छा कितना झूठ बोला जा रहा है, इसलिए मैं कई बार जो है इनकी बुद्धि पर तरस आता है तो मैं एलोपैथी को झूठी पैथी कहता हूँ, वो कहते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होती, वो कहते हैं लीवर गड़बड़ हो जाए, किडनी गड़बड़ हो जाए, थायराइड गड़बड़ हो जाए, प्रोस्टेट बढ़ जाए, वो कहते हैं कि अर्थराइटिस अस्थमा कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योर नहीं होता। हमें कहा हम कि तो रोज़ ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज से नॉन डायबिटीज कर रहे हैं, बीपी शुगर की एलोपैथी के तो MBBS MD डॉक्टर है उनकी दवाएँ छुड़ा रहे हैं, आप यहाँ अभी यहाँ 10 से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, बीपी शुगर की जेनेटिक आपने देखा ही था कल ही, तो ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ 10 साल से बीपी था, माता हवन कर रही है, ठीक हो गया। चलो अगला प्रश्न आप ले लो।
मैं बोलूं यही तो है स्वामी जी, जो या पीसीओडी ठीक हो जाए आपके उपायों से, योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए जो लोगों को निजात मिल रहा है बीमारों से, यही वजह हर कोई जानना चाहता है कि प्राणायाम हमने देख लिया, योगाभ्यास हमने देख लिया, अब जरा नुस्खे भी बता दीजिए जिसका सीधा कनेक्शन है किचन से और सीधा पेट में हो जाएगा। तो देखो ये एक तो गोखरू, जो कुलथ, ये तीन चीज़ें जो यहाँ रखी है ना, जो गोखरू कुलथ इनका पानी पिए, इससे किडनी एकदम अच्छी हो जाती है। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, इससे पेट अच्छा हो जाता है। अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मुसली यहाँ पर रखे हुए हैं, इससे पूरा का पूरा वात अच्छा हो जाता है और इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय, कोंच के बीज से पूरी ताकत आ जाती है, खोई भी कोंच के बीज, ओ हो ये तो। और ये इधर ज्योतिषमती रखे माल कांगनी, इसका तो तेल भी हमने दे दिया, इससे तो कितने भयंकर वात रोग हो, कितने भयंकर कफ रोग हो, सब ठीक हो जाता है। इसके बगल में शिलाजीत रखा है, इसके शिलाजीत के हमने कैप्सूल भी दे दिए, शिलाजीत लिक्विड भी बना दिया और शिलाजीत हमने ऐसे अश्वशिला में भी दे दिया। और ये सारी चीज़ें अब ये और आज ये पेठा रखा है, ये तो सारे किडनी को और पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए पेठे से अच्छा कोई रस ही नहीं होता है, इसका रस पिया करें। और वाटरमेलन, पानी की जगह तो वाटरमेलन ही खाना, और मोटे मोटे तो अनाज बंद करके इसी को खाओ, मोटू को भूख बहुत लगती है, तो वाटरमेलन खाओ, पेठे का जूस पियो।